अभी तक हमने कर्म पढ़े थे, अब जो है कि साधारण जो मनुष्य हैं उनके भेद बताए हैं। क्योंकि जो योगी के जो कर्म है वो जो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, तो उसमें जब ना कोई पाप है ना पुण्य है और वो वासनाओं से रहित कर्म है, तो जब वासना ही नहीं है उसकी योगी के कर्म में, तो उसको पाप पुण्य का फल तो मिलने से रहा। बाकी जो सामान्य मनुष्य हैं जो पाप और पुण्य के भागी हैं, वो वासनाओं के अनुरूप ही पाप और पुण्य के भागी रहेंगे, उन्हीं को वासनाओं के अनुरूप ही फल मिलेगा। तो जो साधारण मनुष्य हैं उनके जो तीन कर्म हैं, शुक्ल कृष्ण और कृष्ण शुक्ल कर्म, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका फल किस प्रकार से व्यक्ति भोगता है, कि वासनाएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। तो कहा कि ततस्तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम, तथा उन तीन प्रकार के कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है। तो वैसे आप समझ ही गए होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के साथ, जो कर्म का फल है या कर्म संस्कार है, उन्हीं की छाप हमारे चित्त पर पड़ जाती है और उन्हीं के ही फल के भोग के अनुकूल हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चित्त में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। तो अगर हमने कोई निंदनीय कर्म करा और निंदनीय कर्म करने के बाद उसका फल हम इस जन्म में ना भोग कर अगले जन्म में भोग रहे हैं और किसी निम्न जाति में प्रकट हो रहे हैं, किसी कीड़े मकोड़े की, पशु पक्षी अथवा किसी अन्य जाति में जहाँ पर हमने उस फल को भोगना है, उस समय क्या होगा कि हम जिस जाति में फल भोगेंगे उस समय हमारे पूर्वकृत जो कर्म है उन्हीं फल भोग के अनुकूल ही हमें अगला जन्म मिला। और जब हमारा अगला जन्म होगा तो हमारी जो उस प्रकार की वासनाएं होंगी वो उस समय उत्पन्न हो जाएंगी, कि जब हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे वही कर्म संस्कार हमारे बनेंगे। कर्म मतलब कर्म फल से ही या हमारे कर्मों से ही हमारा कर्म संस्कार बन रहा है। और कर्म संस्कार का ही भेद है वासना और स्मृति। तो जब कर्म संस्कार होगा, जैसा जैसा कर्म संस्कार होगा चित्त में वैसी वैसी वासनाएं उत्पन्न होंगी, अभिव्यक्त होंगी, ऐसा इस सूत्र का आशय है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि योग साधनों के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार में संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे हुए रहते हैं। मतलब जो कर्म है वो संस्कार रूप में अंतःकरण में इकट्ठे रहेंगे, और उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होगा, जैसे मैंने चींटी का उदाहरण दिया या किसी पशु पक्षी का उदाहरण दिया कि अगले जन्म में हम उसका फल भोगेंगे, उस समय उस कर्म का फल जैसा होना है हमें वैसे ही वासना उत्पन्न हो जाएगी, अन्य कर्मों के फल भोग में नहीं। मतलब जहाँ उस वासना की जरूरत पड़ेगी, जहाँ हमें उस वासना का फल भोगना होगा, वहीं वह वासना उत्पन्न हो जाएगी। अगला वासना का सूत्र है फिर वही बताया कि जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतरियम स्मृति संस्कार यो एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतरियम, कहा कि जब ये वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं इनमें कोई चीज आड़े नहीं आती, जब हमें जिस चीज का फल जब भोगना होगा वो भोगेंगे, वो निश्चित है। मैंने एक दिन पहले भी बात करी थी कि हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें निश्चित ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने जो पूर्वकृत कर्म किए हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर रहे सो तस फल चाखा, तो इस सूक्ति के आधार पर अवश्य अथवा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमें अपने शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। इस सूक्ति के आधार पर निश्चय ही हमें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। तो कर्म बेशक हम किसी भी जन्म में भोगें और हम वो हमने कितने ही जन्म पूर्व किए हों, लेकिन वो फल अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह शर सैया पर थे और उनको जब वो अर्जुन ने बाण मारा था, बाणों के सैया पर 52 बाण मारे थे, तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि जो मुझे ये बाणों की सैया मिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिन तक उस बाणों की सैया पर रहे थे और उन्होंने वो असहनीय दर्द सहा था। भगवान श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में एक टिड्डी को पकड़ा और उसके शरीर में एक सुई से 52 छेद किए थे, और वही जब भीष्म पितामह ने अगला जन्म लिया तो अर्जुन ने उनके शरीर में फिर 52 छेद करे अपने बाणों से। तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो किसी भी रूप में भोगना पड़ सकता है, उसके लिए कोई देश कोई काल कोई समय आड़े नहीं आएगा।
का जाति देश काल व्यवधानम अपि, जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कारों के व्यवधान नहीं होता। कि जब हम हमने कोई कर्म इस जन्म में किया और किसी भी देश में किया, मतलब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने यहाँ पर मनुष्य रूप में आज 2021 में और इस मतलब दिल्ली नामक स्थान में, मतलब देश देखिए, जाति देखिए मनुष्य है, देश माने किसी स्थान को दिल्ली है, काल माने 2021 के ये वर्तमान का समय ही है। इसमें कोई कर्म किया, ऐसा कर्म किया कि जो निकृष्ट था, पाप था, निंदनीय था, और उसका फल जब मुझे अगले जन्म में मिलेगा और अगले जन्म में मैं किसी दूसरे स्थान पर पैदा हुआ हूँ और वहां मुझे उस कर्म का फल भोगना है, तो जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान है, ये तीनों अलग अलग है। जाति भी मेरी हो सकता है, मुझे किसी दूसरी जाति में कोई दूसरा जीव बन के वो फल भोगना पड़े, किसी दूसरे स्थान पर भोगना पड़े और किसी दूसरे समय पर, क्योंकि समय तो दूसरा होगा ही, जब मुझे अगले जन्म में भोगना है तो जन्म परिवर्तित हो जाएगा तो निश्चित समय दूसरा होगा, समय परिवर्तित होते रहता है। तो इनका व्यवधान होने पर भी जब मुझे वो कर्म संस्कार भोगना पड़ेगा, उस समय क्या होगा, स्मृति और संस्कार, ये दोनों जो मेरे कर्म संस्कार हैं वो स्मृति रूप में प्रकट होंगे और मुझे वहां पर उस स्मृति और संस्कार एक रूप हो जाएंगे और मुझे वहां पर उस कर्म का जो मैंने अभी किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये जो देश काल और जाति है ये आड़े नहीं आती है कर्म संस्कारों के फल भोगने पर, कर्म संस्कार स्वतः अपने निश्चित समय पर निश्चित सीमा पर भोगे जाते हैं और जब व्यक्ति जैसा फल उसको भोगना होता है, जाति आयुर्भोगा जो सूत्र है कि जाति आयुर्भोग में, वहां पर उसकी वैसी वैसी वासना प्रकट हो जाती है। आप इसमें देखेंगे नीचे गाय का उदाहरण भी दिया है कि कोई व्यक्ति को गौ की योनि मिलती है और गाय की योनि मिलने पर जब, क्योंकि उसने पहले कभी गाय की योनि नहीं पाई है और उसने हो सकता है मनुष्य रूप में कोई कर्म किया है और उसके फल स्वरूप उसको गाय की योनि मिली है अगले जन्म में भोगने के लिए, तो गाय के शरीर में, बछड़े के शरीर में अथवा जब बछड़ा गाय बन जाता है, जैसी जैसी वासना जिस समय पर प्रकट होनी होगी या जिस समय पर वह भोगना चाहेगा या उसका भोग होगा, उसका प्रारब्ध होगा, तो वैसी वैसी वासना प्रकट हो जाएगी, चाहे वो कितने भी जन्म बाद मिले, कितने भी समय बाद मिले, किसी भी स्थान पर मिले, इसका ये सारी चीजें मतलब उस समय निरर्थक हो जाती हैं, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि तासाम अनादित्व चाशिशो नित्यत्वात्, उन वासनाओं की अनादिता है, अनादिता मतलब वो वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती जब तक उनका फल भोग नहीं होता। जब तक हम वासनाओं को भोग नहीं लेंगे, अपने कर्मों को भोग नहीं लेंगे, तब तक हम जो है वो वासनाएं हमारे संस्कारों में रहेंगी, वो अनादि हैं, क्योंकि वासनाओं का जो मूल है वो कर्म संस्कार है और कर्म संस्कार का जो मूल है अविद्यादि क्लेश है, और अविद्यादि क्लेश तभी समाप्त होते हैं जब असंप्रज्ञात समाधि होती है, अथवा संप्रज्ञात समाधि में भी सबीज रूप में वासनाएं अथवा क्लेश हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ही हो पर विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए उन वासनाओं की अनादिता है, तब तक अनादिता है जब तक पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए आगे लिखा है चाशिशो नित्यत्वात्, क्योंकि उन वासनाओं की व्यक्ति के शरीर में, पुरुष के शरीर में बने रहने की इच्छा नित्य है। जितने भी संस्कार के कर्म, संसार के कर्म संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति बंधन में पड़ता है, बंधन ग्रसित होता है, तो वो वासनाएं मनुष्य को हमेशा घेरने के लिए तैयार रहती हैं। आप देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, आज 135 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है, जो भारत आध्यात्म प्रधान देश कभी कहा जाता था। इस आध्यात्म प्रधान देश में भी कुछ ही अंगुली गणनीय मनुष्य होंगे जो अध्यात्म में लगे होंगे, अपने अध्यात्म परायण में लगे होंगे, शास्त्र चिंतन करते होंगे, और शास्त्र चिंतन करने के बाद भी वो उनकी ये भावना रहती होगी कि मैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम करूं या अपने स्वरूप का ज्ञान करूं, पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो वासनाओं की इच्छा है वो प्रबल होती है और वो हमेशा प्राणी में बने रहने के लिए तत्पर रहती है, और बुरी चीजें हमेशा व्यक्ति पर ज्यादा हावी होती है, वो कितना ही अच्छा कर्म कर ले। आप देखिए दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में गाली नहीं सिखाई जाती है, आती सबको है, और दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, लेकिन वो ज्ञान कितनों को होता है,
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो वासनाएं हैं वो बुरी रूप में, जो गंदी वासनाएं हैं अथवा जो कर्म संस्कार रूपी मनुष्य को बंधन में डालने वाली वासनाएं हैं, ये सारी बुरी चीजें अच्छे से अच्छे मनुष्यों पर भी बहुत जल्दी हावी होती हैं, क्योंकि आशीषा नित्यत्वात्, इसके आधार पर उनके प्राणी में बने रहने की इच्छा नित्य रहती है और वो मनुष्यों को मुक्त होने से रोकती हैं और अपने बंधन में बांधने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ये वासना कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रकार से बताते हैं कि हेतु फलाश्रया लंबन ही संग्रहित्वात् एषाम अभावे तद् अभावः। सॉरी, ये वासनाओं का अभाव कैसे होगा, वासनाएं चित्त से दूर कैसे होंगी। पहले सूत्र में बताया कि वासनाएं हमेशा नित्य हैं और वो वासनाएं जो व्यक्ति को संसार में बांधने के लिए विवश करती हैं, वो वासनाएं जो है उन वासनाओं से मनुष्य अपना पीछा कैसे छुड़ाएगा अथवा उन वासनाओं का अभाव कैसे होगा। तो ये बताया कि सूत्र में मनुष्य चार रूप से इन वासनाओं में ग्रसित होता है और ये जो चार चीजें हैं, हेतु फल आश्रय और आलंबन, इनके द्वारा मनुष्य वासनाओं में बाधित होता है, बंधता है। और जब ये इन चारों चीजों से मनुष्य मुक्त हो जाएगा तो स्वतः वह वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, उसके चित्त में वासनाओं का अभाव हो जाएगा और जब वासनाओं का अभाव होगा तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। पहला बताया हेतु, वासनाओं का हेतु क्या है, तो आप में से कोई बताएगा कि वासनाओं का हेतु क्या है, वासनाओं का कारण क्या है। असंतोष सर, वही इच्छा कामना की पूर्ति ना होना। सर कर्म संस्कार ही है। बहुत बढ़िया, कर्म संस्कार और कर्माशय, और कर्माशय का मूल आसक्ति। हाँ सर, कर्माशय क्लेश, क्लेश अविद्या, अविद्या थी सारे क्लेश। लगाव नहीं रखना गुरुजी। ठीक है, सारी चीजें हैं अविद्या। नहीं नहीं, हेतु माने कारण, वो वासना कैसे उत्पन्न होती है, उनका हेतु माने होता कारण, वासनाएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो कहा अविद्या आदि क्लेश अथवा कर्म संस्कार जितने भी हैं, ये सारे वासनाएं उत्पन्न होने का कारण हैं। और जब वासनाएं उत्पन्न होंगी तो स्वाभाविक हम कोई कर्म करेंगे और कोई कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। तो वासनाओं का फल कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, ये भी पढ़ा था दूसरे बाद में। देखिए सारी पुरानी चीजें हैं, कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसने दो पात पढ़े, जाति आयु और भोग में। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वासनाओं का फल जाति आयु और भोग में मिलता है। तो वासनाओं का कारण अविद्या आदि क्लेश हैं और जब वासनाएं हम कर्म करेंगे तो वो वासनाएं हमें अगले जन्म के लिए प्रेरित करेंगी और उन्हीं वासनाओं के फल स्वरूप हमें फल मिलेगा जो जाति आयु और भोग के रूप में मिलेगा। योग दर्शन के दूसरे पाद में जो लोग नहीं पढ़ पाए वो इस सूत्र को पढ़ें। और इसका आश्रय क्या है वासनाओं का, वासनाएं कहाँ रहती हैं भैया, आश्रय माने हम रहते हैं ना किसी घर में, किसी मकान में, किसी आश्रम में, सर चित्त में, चित्त में। तो आश्रय क्या हो गया, आश्रय माने आश्रम, मकान, घर, जहाँ पे जो हमें आश्रय दे, जो शरण देव आश्रय है। तो वासनाओं को भी शरण कौन देता है, चित्त देता है हमारा, आश्रय चित्त है। पर आलंबन किसका होता है, इंद्रियों, वृत्ति का। हाँ, वृत्ति का अथवा इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा ही वृत्ति अपना कार्य करती है। तो वृत्तियों का आलंबन लेकर के मनुष्य कर्म करता है और उसके फल को भी भोगता है। और जो वासनाएं हैं ये इसका जो कारण है, अविद्या आदि क्लेश है, फल जो है जाति आयु भोग है, आश्रय चित्त है और आलंबन है उन वासनाओं का इंद्रियादि, क्योंकि इंद्रियों के फल स्वरूप ही हम कोई कर्म करते हैं और वही वासना इंद्रियों के द्वारा ही हमारे चित्त में समाहित होती है। तो ये इंद्रियां ही वासनाओं का कारण है और जब इन सब का अभाव हो जाएगा, हेतु फल आश्रय और आलंबन का, तो उसके अभाव से क्या होगा, तद अभाव, तद किसका अभाव, उन वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। जब ये हेतु फल आश्रय और आलंबन इन चारों का अभाव होगा तो वासना का भी अभाव होगा और वासना का अभाव होगा तो क्या होगा, तो निश्चित है कि मुक्ति होगी। वासनाएं चित्तम किस रूप में रहती हैं, या उसके जो मतलब स्वरूप है वो बता रखा है, का अतीता नागतम स्वरूपतः अत्यद्भेदा स्वरूपतोस्त
अत्यद्वभेदात् धर्माणाम्। स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम्। तो वो वासनाएं जो हैं धर्मों में काल भेद, काल का भेद होता है, इस कारण जो धर्म में अविद्या वासना चित्त चित्त के वृत्तियां अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं वो स्वरूप से विद्यमान हैं। धर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि धर्म परिवर्तित होते रहता है, वो वर्तमान भी होता है भविष्य भी रहता है, एक धर्मी में अनेक धर्म रहते हैं। जैसे मैंने मनुष्य को उदाहरण दिया था, एक ही मनुष्य वो छात्र भी होता है, अध्यापक भी होता है, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्मों का पालन करता है, तो धर्म परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे ही धर्मों में काल का भेद होता है, इस कारण जो धर्म में अविद्या आदि चित्त की वृत्ति अतीत हो गए जो नागद भी प्रबंध, एक मिनट हाँ थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। यही बता रहा है कि जो वासनाएं चित्त में रहती हैं वो किस प्रकार से रहती हैं। कहा कि धर्मों में काल भेद रहता है, मतलब वासनादि जो हमारी चित्त में विराजमान है वो हमारे चित्त में स्वरूप से संस्कारों से विद्यमान रहेंगी, पर काल भेद के अनुसार वो परिवर्तित होते रहती हैं। कि जैसे एक मिट्टी है, एक मिट्टी में अनेक प्रकार के धर्म छिपे हुए हैं, वही मिट्टी जब हम उसको कुम्हार उसको घड़ा भी बना देता है, कुम्हार उसको गिलास भी बना देता है, कुम्हार उसको सुराही भी बना देता है, अनेक चीजें अनेक रूप में परिवर्तित वह मिट्टी होती रहती है, लेकिन अंत में वह जब टूटती है तो मिट्टी ही बन जाती है। तो वासनाओं में भी इसी प्रकार से धर्म का भेद रहता है कि वासनाएं कुछ भूत हैं, कुछ वर्तमान है और कुछ भविष्य है। जैसे हमारा चित्त है, चित्त में कुछ वासनाएं ऐसी हैं जो हमने भोग ली हैं। हमने अगर कोई भोग भोगना था, दुख पाना था, तो दुख के अनुरूप हमने वैसी हमारे शरीर में या दुख या सुख के अनुरूप, क्योंकि वहां बताया पहले में आह्लाद और परिताप फलाहा, वासनाओं के हम आह्लाद और परिताप के रूप में भोगेंगे, तो सुख रूप भी भोग सकते हैं और दुख रूप भी भोग सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई सुख रूप वासना भोगनी है, सुख भोगना है, तो उस समय हमारे चित्त में सुख भोगने में वैसी सुख रूप वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने वासना तो भोग ली, वासना का काम खत्म, अब वो वासना क्या होगी, अतीत हो गई। तो अतीत होगी माने चली गई चित्त से, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई है, वो स्वरूप से सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में विद्यमान है, लेकिन वो वासना अतीत हो गई है। और कुछ वासनाएं कुछ फल ऐसे हैं जो हमने भोगने बाकी हैं, जिनका फल हम भविष्य में भोगेंगे। तो ऐसी वासनाएं जो अनागत हैं, जो अभी आई नहीं है, ये भी हमारे चित्त में स्वरूप से विद्यमान है। जैसे दूध में दही रहता है, दूध में अगर दही बनना होगा तो दूध में सूक्ष्म रूप में दही विद्यमान रहता है, जबकि दिखता नहीं है, लेकिन वही दूध भविष्य में जब उसको दही बनना होगा तो उस समय वो दही बन जाएगा, जब उसकी वैसी परिस्थिति होगी, वैसा उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो वासनाएं अनागत हैं, ठीक उस वातावरण के अनुकूल जिस समय हमारा फल भोग होगा, हमने फल को भोगना होगा, वो वासनाएं जो अनागत वासनाएं हैं जो प्रकट नहीं हुई हैं, वो वर्तमान में प्रकट होके अपना कार्य करेंगी, लेकिन वो भी अतीत हो जाएंगी। लेकिन स्वरूप से चाहे उन्होंने अपना कार्य कर लिया अथवा नहीं किया, वो सूक्ष्म रूप में हमारे चित्त में विद्यमान रहती हैं। चाहे कितने भी काल बीत जाएं, कितने भी समय बीत जाएं, वो वासनाएं चित्त में स्थिर रहती हैं, रहती थी और रहती रहेंगी, जब तक चित्त की पूर्णतया मुक्ति नहीं होगी, चित्त अपने कारण प्रकृति में विलीन नहीं होगा और पुरुष अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं रहेगा, पुरुष अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं होगा, तब तक वो वासनाएं हमारे चित्त में स्वरूप से सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहेंगी। आगे उसी सूत्र को बता रहे हैं कि हाँ जी सर, जैसे पूछेगा पतंजलि में धर्म का क्या स्वरूप है, तो सर इसी को बताएंगे क्या, पतंजलि में धर्म का क्या स्वरूप है? नहीं, वो धर्म का स्वरूप आप तीसरी बात में पढ़िए, तीसरे पात के 13 सूत्र के बाद है, 13वें 14वें 15वें में मेरे ख्याल से, वहां पर पढ़िए। यहाँ पर वासनाओं का धर्म बताया कि वासनाएं किस रूप में चित्त में विद्यमान रहती है, वो अतीत और अनागत रूप में चित्त में विद्यमान रहती हैं, या तो भूत हो गई है या वर्तमान भविष्य वर्तमान भविष्य में आने वाली है, लेकिन वो स्वरूप से विद्यमान रहेंगी, ऐसा बताया, वासनाओं का धर्म बताया। तो अब यही सूत्र को ऊपर वाले सूत्र को आगे और बताते हैं कि वो वासनाएं कैसे रहती हैं चित्त में,
तो कहा वे ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन, वे वासनाएं व्यक्त और सूक्ष्म रूप में गुण रूप में हमारे चित्त में रहती हैं। गुण रूप का अर्थ है कि वासनाएं जिस रूप में जिस जो कार्य करेंगी वो उसका गुण है, मतलब अलग अलग वासनाओं का अलग अलग कार्य है, तो प्रत्येक वासना का कोई ना कोई गुण तो होगा, काम क्रोध लोभ मोह अथवा सुख दुख ये सब गुण है। तो जो वासना जिसका जो कार्य होगा वो उसका गुण उस वासना में विद्यमान होगा, तो ये सभी वासनाएं गुण रूप ही है। गुण रूप का अर्थ है कि उस वासना में कोई ना कोई कार्य नहीं होगा और जो वासना जो कार्य करेगी वो उसका गुण है। और उन वासनाओं की स्थिति क्या है, तो कहा दो रूप में विद्यमान है, एक व्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप में दो वासनाएं विद्यमान होंगी जो हमने पर बात कर ली है कि एक वासना अतीत है एक अनागत है। जो भविष्य में आने वाली वासना हमारे चित्त में है वो वासना अनागत है, और जो हमने वासना भोग ली है जिसका भोग कर लिया, जो हमने प्रारब्ध भोग लिया है, वो वासना जो अतीत हो गई है वो भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तो सूक्ष्म रूप में ये वासनाएं हमारे चित्त में रहती हैं, और व्यक्त रूप में मतलब जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में हम कोई भोग भोग रहे हैं, सुख रूप हो अथवा दुख रूप हो, वो व्यक्त वासनाएं जो वर्तमान में हमें फल का भोग करा रही है वो वासनाएं व्यक्त वासनाएं है। तो वो वासनाएं दो रूप में चित्त में विद्यमान रहेंगी, एक व्यक्त रूप में एक सूक्ष्म रूप में, और ये सारी वासनाएं गुण रूप ही है, ऐसा सूत्र का आशय है। तो ये आगे के जो सूत्र है ये सब चित्त वगैरह के बारे में है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में हमेशा सिलेबस से पूछेगा, सिलेबस से बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो आप जितने सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं इनके ये सब पढ़िए जी, कहिए जी सर। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। हाँ, तो अब हम जो अगला टॉपिक है ये वासनाओं के बारे में, यहाँ पर सारा कम्प्लीट हो जाता है इस सूत्र तक, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए, फिर जो मेरे ख्याल से तो ये वासना की अवधारणा, वासना के बारे में पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया है। धर्म में समाधि उसका फल विवेक ख्याति निरूपण केवल निर्वचन, तो हम इसको पढ़ते हैं। अभी वैसे मुझे आपको पहले यूनिट करवानी है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं, जैसे योगियों का जीवन परिचय है वो आप खुद से पढ़ेंगे, उसमें तो पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, वो आपको ही याद करना है, रट्टा मारना है। बाकी कुछ दर्शन वगैरह के बारे में है, षट दर्शनों का परिचय जिसमें सांख्य और योग हमने पढ़ लिया है, न्याय वैसे से मीमांसा हम पढ़ेंगे, और कुछ एक आध चीजें और हैं वो मैं कुछ दिनों बाद पढ़ा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। सर, उसमें चार प्रकार की मीमांसा है सर, वो क्या है? आचार मीमांसा वगैरह होगा कुछ। जी जी सर, वो क्या है सर? वो विशेष कुछ नहीं है, उसके बारे में क्या क्या है सब बता रखा है कि इनका कार्य क्या है। ओके, वो जब पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा आपको, और भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ छूटा होगा तो बता दूंगा उसमें। और ये जो हमारी यूनिट है फोर्थ यूनिट, ये आपके जो सातवीं यूनिट है योग दर्शन की, अगर आपको सिलेबस याद हो तो वहां पर भी जो आधी यूनिट है सेवंथ वाली, उसमें ये योग दर्शन पूरा अप्लाई होता है। और योग दर्शन दोनों से मिलता है। मैंने आपको हिरण संहिता भी पढ़ाई है, योग दर्शन भी पढ़ाया है, वहां पर आप देखिए टॉपिक। हाँ, तो आप टॉपिक देखिए और सारी चीजें यहाँ और हिरण संहिता में है पूरी, वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो उनको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ी है। तो धर्मवेद समाधि का सूत्र है, प्रसंग ख्याने की खुशी दश्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मवेदा समाधि। प्रसंख्याने भी, प्रसंख्यान माने विवेक ज्ञान। तो जब आदमी को विवेक ज्ञान हो जाता है, विवेक ख्याति हो जाती है, या रितंभरा प्रज्ञा उसकी जागृत होती है, फिर विवेक ख्याति होती है, पुरुष का ज्ञान होता है, और तस्यापि निरोधान निर्बीजा समाधि, ये पहले पाद का सूत्र है, मेरे ख्याल से अंतिम सूत्र है। तो उसमें भी जब उस विवेक ख्याति का भी या रितंभरा प्रज्ञा का भी हम निरोध कर देते हैं तो वही निर्बीज समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है, इसको हम मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर दोहराते हैं कि प्रसंख्याने भी अकुशी दश्य, जब विवेक ख्याति होती है, ग्रहण ग्रहिता और ग्राह्य एक रूप होता है, और व्यक्ति अपने जो उसका जो अंतिम लक्ष्य है, जो पुरुष है, उसको देखने में, उसका स्वरूप अनुभव करने में समर्थ हो जाता है, उसको अनुभव करने लगता है,
उसी स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। और विवेक ख्याति में विवेक जागृत होता है, प्रकृति मिथ्या लगने लगती है और पुरुष जो है उसको अपना लक्ष्य लगने लगता है और पुरुष के लिए वो कार्य करने लगता है। तो जब वो कार्य करते करते उसके शरीर में केवल पुरुष का ज्ञान शेष रहता है और पुरुष पुरुष को प्राप्त भी कर लिया होता है, पुरुष का ज्ञान शेष रहता है, उसको ये अनुभव होता है कि मैंने पुरुष को जान लिया, तो ये विवेक ख्याति है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब वैराग्य हो जाता है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजा समाधि, उस विवेक ख्याति से भी जब वैराग्य हो जाएगा, अब उसी दशी माने वैराग्य हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, सर्वथा विवेक ख्याति ही। उसको उसकी जो विवेक ख्याति रहेगी उस समय, वो सर्वथा रहेगी, सर्वथा माने हर समय के लिए, असीमित समय के लिए, अनंत समय के लिए। उसका जो चित्त है वो कभी वासनाओं में पड़ ही नहीं सकता विवेक ख्याति होने के बाद, क्योंकि जो वासनाएं विवेक ख्याति है वो पहले जो सांसारिक हमारे संस्कार चित्त में है तो उनका नाश कर देती है, और विवेक ख्याति जागृत होने के बाद उसके चित्त में हमेशा एक असीमित प्रकाश रहता है, और उस जो विवेक ख्याति रूपी प्रकाश है उसमें भी जब योगी चित्त में आसक्ति नहीं रहती, उसको ये अनुभव नहीं होता कि मैंने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, विवेक ख्याति प्राप्त कर ली है, और उसको उस विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो जाता है, उसका चित्त हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाता है, हमेशा के लिए ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इसी को धर्ममेत समाधि कहते हैं। ज्ञान स्वरूप माने कि जब वो तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम होगा और पुरुष को प्राप्त कर लेगा, और पुरुष को प्राप्त करने के फलस्वरूप उसका चित्त तो नहीं, पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसकी आत्मा है या पुरुष है जो आत्मा है, वो हमेशा के लिए प्रकाशित रहेगी उस विवेक ज्ञान से, यानी जिस विवेक ज्ञान के द्वारा सांसारिक क्लेशों से वह आत्मा मुक्त हुई है, उसी विवेक ज्ञान के फलस्वरूप उसकी आत्मा प्रकाशमय हो जाएगी। प्रकाशमय तब होगी जब वह तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम करेगा, और ये काम कौन कराता है, विवेक ज्ञान कराता है, विवेक ख्याति कराती है, और इसी विवेक ख्याति से वैराग्य हो जाएगा और व्यक्ति अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। जब उसकी सर्वथा विवेक ख्याति हो जाएगी, हमेशा के लिए उसका चित्त पुरुष में विलीन हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, इसी को धर्ममेत समाधि कहते हैं। और इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम कैवल्य है, इसी का नाम असंप्रज्ञात समाधि है, इसी का नाम निर्भीत समाधि है, इसी को ही अनेक नामों से जाना जाता है। तो नाम भेद से आप ऐसा ना सोचें कि काम अलग अलग है, एक ही चीज है, चाहे वो असंप्रज्ञात समाधि हो अथवा कैवल्य हो अथवा मोक्ष हो अथवा निर्भीत समाधि हो, ये सब धर्ममेत समाधि के ही पर्याय हैं। और जब विवेक ख्याति प्राप्त होगी, धर्ममेत समाधि प्राप्त होगी और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी, तो उस समय क्या होगा, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, उसका फल बताया धर्ममेत समाधि का। अगर पूछेंगे धर्ममेत समाधि का फल क्या है, तो आप कहेंगे तथा उस धर्ममेत समाधि से, उस असंप्रज्ञात समाधि से क्लेश कर्म निवृत्ति ही, क्लेशों और कर्म से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि धर्ममेत समाधि कराने का काम विवेक ख्याति का है, और विवेक ख्याति से ही क्लेश और कर्म की निवृत्ति होती है, तभी वह व्यक्ति धर्ममेत समाधि को पाता है। तो पहले क्लेशों की निवृत्ति हो गई है, तब धर्ममेत समाधि है, तो स्वतः ही धर्ममेत समाधि का फल हो जाएगा कि उसके फलस्वरूप धर्ममेत समाधि मिलने पर व्यक्ति की आत्यंतिक, दो चीजें हैं, एकांतिक और आत्यंतिक, आत्यंतिक रूप से क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। आत्यंतिक क्या है, परमानेंट, हमेशा के लिए, असीमित समय के लिए, अनंत काल के लिए, वह पुरुष जो कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ेगा, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, क्योंकि उसके क्लेश तो सारे नष्ट हो गए, कर्म संस्कार नष्ट हो गए, तो अपने स्वरूप में प्राप्त होने के बाद उनको इन चीजों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्लेश और कर्मों से। उस समय क्या होगा, जब धर्ममेत समाधि प्राप्त होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा बता रखा है, तदा सर्वावरणम अलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् गेयम अल्पम। उस समय जब धर्ममेत समाधि प्राप्त होगी, तो सर्वावरणम अलापेतस्य ज्ञानस्य, कि जब हम अभी संसार में हैं, तो हम किसी न किसी ज्ञान से, देखिए हम अगर दुनिया में है तो हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, निद्रा को छोड़ के बाकी जो हमारी चित्त की बाकी की अवस्थाएं बताई हैं,
तुरी सॉरी जो जागृत है और स्वप्न है, इन अवस्थाओं में हमारे चित्त में कोई ना कोई विचार चलता है, अथवा तुरी में भी चलेगा, ध्यान की अवस्था में भी चित्त में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, क्योंकि चित्त में हम जिसका ध्यान कर रहे हैं तो वो हमारे चित्त में विराजमान रहता है, तो उस समय भी चित्त में विराज एक ज्ञान का आवरण चित्त में रहता है। तो जिस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ रूप में हो, शब्द अर्थ और ज्ञान हमने पढ़ा था, अर्थ रूप में ही सही, लेकिन उस ज्ञान ने हमारे चित्त को ढक रखा है और हमारा चित्त उस ज्ञान में जो अर्थ रूप में है उसमें विलीन है। लेकिन जब हम धर्म में समाधि को या पुरुष को प्राप्त करते हैं तो जितने भी ज्ञान का आवरण है, चाहे वो अच्छा हो अथवा बुरा हो, सुख रूप हो अथवा दुख रूप हो, जिस बारे में भी सोचते हैं, सांसारिक जो भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान जो ज्ञान का आवरण है, ज्ञान का पर्दा है, हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, वो पर्दा जो है हट जाता है धर्म में समाधि के रहने पर। तो यहाँ पर लिखा भी है कि सर्वावरणम अलापेतः, जो सारे आवरण है जो पर्दे हैं वो अलापित हो जाएंगे अर्थात हट जाएंगे, और ज्ञान रूपी ज्ञान के जितने भी पर्दे, वही ज्ञान तो है जो हमें कर्म संस्कारों में बांधता है और बंधन और मुक्ति के लिए प्रेरित करता है, ऐसे ज्ञान के जितने भी पर्दे हैं वो सारे हट जाएंगे। और कब तक हटेंगे, तो क्या आनंद क्या अनंत काल तक हट जाएंगे, सीमा रहित हो जाएगा, जो ज्ञान के पर्दे हटेंगे और चित्त में एक नया ज्ञान विराजमान हो जाएगा, पुरुष का ज्ञान, वो भी अनंत काल तक रहेगा, और ये चित्त ये जितने भी ज्ञान के पर्दे हैं ये अनंत काल तक चित्त से हट जाएंगे हमेशा के लिए। और दुनिया में जितने भी ज्ञान है, ज्ञेयम अल्पम, जानने की चीजें हैं, जो भी हम संसार में जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या नई चीजों को देखना चाहते हैं, नए नए स्थानों को देखना चाहते हैं, तो दुनिया में कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा, सारे ज्ञेय अल्प हो जाएंगे, सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा कि आपने सबसे बड़ी चीज को जान लिया है, पुरुष को जान लिया है, तो बाकी चीजें सारी तुच्छ हैं, वो सारी अल्प हैं। तो दुनिया के सारे पदार्थ, सारे ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाएंगे पुरुष ज्ञान के सिवा, बाकी सारे पदार्थ व्यर्थ हैं, अल्प हैं। और किसी ने कुछ बोला? नहीं सर। तो आगे बताया, तथा कृतार्था नाम परिणामक क्रम समाप्तिर गुणानाम, उस समय क्या होगा कि अच्छा कृतार्थ बताइए, कृतार्थ हमने पढ़ाया था सर, चित्त के जो भी कार्य कर शेष रहते हैं ना, उनको कृतार्थ बोलते हैं। चित्त विमुक्ति में होते हैं, चित्त विमुक्ति में तीन चीज पाए जाते हैं, उसी में होता है। हाँ, तो हमारे आत्मा में, आत्मा को छोड़ करके प्रकृति की, प्रकृति सहित जितने भी तत्व पंचे महाभूतों तक हैं, उन सभी का काम पुरुष को अथवा आत्मा को भोगापवर्ग का है अथवा कृतार्थ करने का है, अपने भोग और अपवर्ग से। तो कृतार्थ करने का काम प्रकृति कर रही है, उसके गुण कर रहे हैं सत, रज और तम, और प्रकृति के अंदर ही हमारा चित्त भी आता है, और इन्हीं चित्त का क्रम भी बताया है, जिसमें व्युत्थान निरोध और पहले समाधि बताया, व्युत्थान बताया और निरोध बताया, ये सारे परिणामक क्रम है, एक के बाद एक आते हैं। तो जब सारे गुण अपना कार्य करके पुरुष को कृतार्थ कर देते हैं, जितने भी सारे तत्व हैं वो अपना अपना कार्य करके, जिनमें हमारा चित्त भी है, मन बुद्धि अहंकार भी है, हमारा शरीर भी है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही ये सारे काम हो रहे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये शरीर सहित जितने भी तत्व हैं प्रकृति तक, ये सारे तत्व पुरुष को कृतार्थ करने के बाद, अपना अपना काम कर लेने के बाद, तो इनका जो क्रम है, क्योंकि चित्त का ही क्रम है ना कि मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, तो ये सारे क्रम पार हो जाते हैं, एक के बाद एक करके सारे क्रमों की समाप्ति हो जाती है। जो निरुद्ध क्रम है, मतलब जो अंतिम परिणाम है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, फिर कोई क्रम बाकी नहीं रहता, हमने अपनी मंजिल को पा दिया, फिर रास्ते में जितनी भी सीढ़ियां पड़ी हैं, जितने भी क्रम पड़े हैं, जितने भी स्टेप्स पड़े हैं, उन सभी को पार करने के बाद उनकी समाप्ति हो जाती है और हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस सूत्र का आशय है। और इसी से रिलेटेड एक सूत्र है, ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो बताया था क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य कर्मा,
जो क्षणों का प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वो क्रम है। तो ये क्षणों की बात हम कर चुके हैं कि प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। और जब हम परिणाम की बात करते हैं कि एक परिणाम से दूसरे परिणाम में जाते हैं, अथवा हमारी जो सांसारिक स्थिति है भूत भविष्य वर्तमान में सन्निहित रहती है, ये सारी चीजों में भूत से भविष्य बनने में सॉरी भविष्य से भूत बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अभी अभी कोई चीज जो है होने वाली हो, जो भविष्य में होने वाली है, थोड़ी देर में वो भूत बन जाएगी। तो एक क्षण है वर्तमान में, तो उन क्षणों में सामान्य व्यक्ति भेद नहीं कर सकता, लेकिन योग साधक उनके मध्य भेद कर सकता है, उनके क्रमों को निर्धारित करके उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जा सकता है, एक क्षण के बारे में जान सकता है और उसका क्रम जान सकता है। तो इसी मतलब क्षणों के क्रम के बारे में बताया कि कोई भी काल है, उस काल में चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, अनेकों क्रम रहेंगे उसके क्षणों में। वर्तमान की एक, वैसे हम अगर टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अथवा संस्कृत में, तो उसके काल के तो भेद, जैसे हम वर्तमान को भी उसकी बहुत सारे भेद हमने माने हैं, इंग्लिश में भी माने हैं, हिंदी में भी माने हैं, चार चार भेद माने हैं इंग्लिश में, तो ऐसे ही संस्कृत में भी होता है। तो हमने वर्तमान कह दिया, लेकिन वर्तमान में भी एक लंबा समय वर्तमान का माना जाता है। यही नहीं कि जो चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा थोड़ी देर बाद जैसे तुरंत बटन बंद कर दिया तो पंखा चल रहा था, ऐसा माना जाता है। तो वही जो वर्तमान है वो भूत बनने में उसको देर नहीं लगती है। इसके मध्य जो एक क्षण है, वो क्षण मात्र ही जो है कब परिवर्तित होता है, कब बदलता है, इसके मध्य भेद कर लेना इस योग साधक का कार्य है। और ये योग साधक इस क्रम को समझने में सक्षम है और समझ सकता है। तो इसमें लिखा है कि जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, जब सारे परिणाम पार हो जाते हैं, योग साधक अपने समाधि को प्राप्त कर लेता है, चित्त की निरुद्ध अवस्था हो जाती है और अंतिम निरुद्ध परिणाम हो जाता है, उस समय सारी चीजें अपने आप ज्ञान हो जाती हैं, सारे कर्म परिणाम के प्रत्येक क्षण के बारे में व्यक्ति को समझ में आ जाता है, ऐसा बताया। विशेष है ही नहीं कुछ। अंत में बताया कि कैवल्य क्या है, तो कहा पुरुषार्थ सुनियानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चित शक्ति रेती। तो पुरुषार्थ कोई बता सकेगा क्या है, क्या होता है धर्म अर्थ काम? ये पुरुषार्थ है। और योग दर्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? लक्ष्य सर, उसका कर्तव्य, उसका कर्तव्य है, वो पुरुषार्थ हो सकता है। मतलब समाधि पाना लक्ष्य। हाँ। भोग एवं अपवर्ग, ठीक है, ये सही है। पुरुषार्थ माने पुरुष के लिए किया गया कार्य, पुरुष के लिए किया गया अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। तो पुरुष के लिए प्रयोजन किसका होगा? प्रकृति का होगा, गुणों का होगा, प्रकृति से संबंधित तत्वों का होगा। तो पुरुषार्थ जब शून्य हो गया प्रकृति का, माने प्रकृति ने अपने से संबंधित उसके जितने भी कार्य हैं वो सारे पुरुष के लिए हैं और वो पूरे कर लिए हैं। तो पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन प्रकृति ने पूरा कर लिया, तो पुरुषार्थ शून्य प्रकृति होगी। पुरुषार्थ माने पुरुष के अर्थ से किया गया कार्य, आत्मा के अर्थ से किया गया कार्य, अथवा आत्मा के लिए किया गया कार्य, अथवा प्रकृति का प्रयोजन, प्रकृति क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, प्रकृति से संबंधित उनके तत्व, जो अन्य 23 तत्व हैं वो आएंगे, सतरज तम आएंगे, सतरज और तम आएगा, चित्त की जितनी वृत्तियां हैं, चित्त, ये सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो पुरुषार्थ शून्य जब चित्त हो जाता है, तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम लिखा है। गुणा नाम माने सतरज और तम का, सतरज तम के अधीन पर, अधीन होने पर ही प्रकृति चलायमान रहती है और प्रकृति में संचार होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो मेन कार्य त्रिगुणों का ही है, सतरज और तम का। तो जिन गुणों ने अपना कार्य कर लिया है वो पुरुषार्थ शून्य हो गए हैं, उनके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं बचा है। तो ऐसा, ऐसे जो गुण, तो एक ये बताई पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम कि सभी गुणों ने, तीनों गुणों ने अपना अपना कार्य कर लिया कैवल्य के लिए, पुरुष को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए। पुरुष का भोग भी कर लिया है, पुरुष को भोग भी करा दिया और उसका अपवर्ग भी कर दिया, मुक्ति भी कर दी, भोग और अपवर्ग दोनों कार्य कर लिए। तो गुण क्या हो गए? पुरुषार्थ शून्य हो गए और प्रति प्रसवाह और
जितने भी उसके तत्व हैं वो अपने कारण में विलीन हो गए, प्रतिप्रसव हो गए। प्रतिप्रसव माने एक दूसरे में, जहां से उत्पन्न हुए थे उसी में विलीन हो जाना, उसी में समाहित हो जाना। जैसे हमारा शरीर है पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश इनसे मिलकर हमारा ये हाड़मांस का ढांचा बना है। तो इन पंच महाभूतों ने अपना कार्य किया, एक शरीर को निर्मित किया। लेकिन जब शरीर नष्ट होगा तो ये सारे तत्व अपने अपने कारण में, अपने अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हो जाएंगे, विराजित हो जाएंगे और इनका प्रतिप्रसव हो जाएगा। जहां से आए थे वहीं समाहित हो जाना, इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। तो जितने भी पंच महाभूतों सहित, तन्मात्राओं सहित, इंद्रियों सहित, मन बुद्धि अहंकार सहित, चित्त के सहित जितने भी तत्व हैं, ये अपने अपने कारण में जब विलीन हो जाएंगे, उनका कारण क्या है, प्रकृति है, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, तो जहां से आए थे वही मिल जाएंगे, इसको कहेंगे प्रतिप्रसव। तो दो चीजें बताई कि एक पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, कि सारे गुण पुरुषार्थ शून्य हो गए हैं, और दूसरा बताया कि प्रतिप्रसव, कि जितने भी तत्व हैं उनका प्रतिप्रसव हो जाएगा। और फिर एक चीज और बताई का स्वरूप प्रतिष्ठा, कि सारे ये जितने भी गुण हैं ये सारे सारे अपने स्वरूप में इनका प्रतिप्रसव होने के बाद पुरुष अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाएगा, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम हो जाएगा। चिति शक्ते हे माने चिति माने पुरुष, उस पुरुष का, उस दृष्टा का अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाना, अथवा सारे गुणों का पुरुषार्थ शून्य हो जाना, अथवा सारे जो गुणों का अथवा तत्वों का प्रतिप्रसव हो जाना, इन तीनों को ही कैवल्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, निर्भीत समाधि कहते हैं, ये सारे इसके पर्याय हैं। तो अगर पूछेगा कैवल्य की अवधारणा तो आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे मतलब वहां पर तो ऑप्शन देगा, आप देखेंगे विचार करेंगे कि किस संदर्भ में पूछ रहा है। वो तीसरे पाद में भी बताई है, चौथे पाद में भी बता रखी है, और पहले में भी बता रखी है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसी के संसद आपका योग दर्शन आज सिलेबस के अनुसार संपन्न हो गया है। अगर कोई प्रश्न किसी का है तो आप पूछें। सर ये परिणाम जो है परिणाम अपरांतर निर्ग्राह्य क्रमः, और जो पहले जो बताए गए परिणाम, और ये परिणाम एकत्ववाद, एकत्ववाद वस्तु तत्व, ये सभी एक ही है या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग की बात कर रही है। परिणाम अपरांत निर्ग्राह्यों में एक परिणाम से दूसरा परिणाम, माने परिणाम का अर्थ बदलना है। वहां पर भी बताया धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, तो वहां पर भी एक चीज मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म में बदलना वो भी परिणाम है। चित्त का एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना वो भी परिणाम है। तो उधर जो जो बता रखा है समाधि एकाग्र और निरुद्ध, तो वो जो है वो चित्त के परिणाम है। और इधर जो बता रखा है धर्म अर्थ और लक्षण अवस्था, ये जो बता रखे हैं ये भी चित्त के परिणाम है। ये जो है उसके कार्य के आधार पर है कि चित्त किस प्रकार से अपने अलग अलग स्वरूपों में बदलता है। और यहाँ पर भी वही बात करी है जो परिणाम प्रांत निर्ग्राहियों में बता रखा है कि ये समय से संबंधित है, कि एक समय से दूसरे समय में जब चित्त बदलता है, वासनाएं बदलती हैं और कार्य बदलते हैं, तो यहाँ पर ये बताया कि एक समय से दूसरे समय में मतलब समय के अनुसार है परिणाम प्रांत निर्ग्राह्य वाला। क्षण कैसे बदलता है, क्षण प्रतियोगी, एक क्षण दूसरे क्षण का प्रतियोगी है, एक क्षण अगले क्षण को फॉलो करता है, वो बदलता है। तुरंत भूत जो है जो भविष्य है वो वर्तमान हो जाता है, तो एक दूसरे और उसी से अगला क्षण तुरंत वो भी भूत से वर्तमान, भविष्य से वर्तमान हो जाता, वर्तमान होता है फिर भूत हो जाता है, बदलते रहते हैं एक दूसरे के प्रतियोगी है। तो जो परिणाम प्रांत निर्ग्राह्य वाली बात करी है, ये जो बात है ये है समय के अनुसार, और वो है जो धर्म अर्थ लक्षण वाली है वो जो है धर्म के अनुसार है कि धर्म कैसे बदलते रहते हैं, एक धर्म और धर्म की बात करी है। और समाधि एकाग्र निरुद्ध वाली जो बात करी है वो चित्त की बात करी है। अच्छा सर, वो बीच वाला जो परिणाम एकत्ववाद वस्तु वस्तु परिणाम एकत्ववाद वस्तु तत्व, वो परिणाम भी ये दोनों में से कौन सा आएगा, ये समय वाला या वो धर्म वाला? धर्म वाला है। अच्छा ठीक है सर जी, बाकी किसी का कोई
पहले पाद से लेके चौथे पाद तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। सर हेलो। हाँ जी हेलो। यस सर, जो धर्म में समाधि है उसको हम संप्रज्ञात की सर्वोच्च अवस्था कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात की सर्वोच्च अवस्था है अस्मितानुगत समाधि। विचार आनंद, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, चार चीजें बताई है ना? जी सर। तो वही है, और उसके बाद भी जब विवेक ख्याति होती है वो ही होगी संप्रज्ञात की सर्वोच्च अवस्था, क्योंकि उसके बाद ही आती है।